हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राउंड वायर के बारे में। जैसा कि आपने देखा ही होगा, अक्सर मैं जो आपसे कहता हूँ कि ये जो वायर है ग्राउंड की वायर है, ग्राउंड पॉइंट पे जोड़ दीजिए, तो आखिर ग्राउंड वायर जो होती है उसे ग्राउंड वायर क्यों कहते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में आने वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक डीसी सर्किट है, मतलब आप कह सकते हैं मोबाइल का बोर्ड है। तो इस पे जो ग्राउंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, और अगर आप अपने एक दो तरह के ग्राउंड वायर या फिर अब ग्राउंड पॉइंट होते हैं दोस्तों, ये जो ग्राउंड पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी में, जो आपके जो घरों में जो एसी पावर आती है वहाँ पर आपने तीन पॉइंट देखे होंगे। ये दो पॉइंट तो इस्तेमाल होते ही हैं हमेशा, ये तीसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों, अक्सर ज़्यादातर लोगों के घरों में ग्राउंड वायर नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है जैसे आपका सीपीयू हो गया, तो वो जो है लीकेज करंट उसमें आता है, जिसकी वजह से आपको शॉक लगता है। तो वो जो शॉक लगने का जो कारण है दोस्तों, यही है कि आपके घर में जो है ग्राउंड वायर इंस्टॉल नहीं है। तो आप जो है इसको डलवा लीजिए किसी इलेक्ट्रिशियन से बात करके। आपका जो सीपीयू में आपका शॉक आ रहा है या आप किसी डिवाइस में शॉक आ रहा है तो वो आपका आना बंद हो जाएगा। तो ये है ग्राउंड वायर, जो कि जो आपका जो है ग्राउंड में जो है होल वगैरह करके उसमें जो है कुछ चीज़ें डालकर कंडक्टिव चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे सॉल्ट, कार्बन वगैरह। तो ये जो वायर होती है डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होती है। अब ये वायर क्या करती है, जो लीकेज करंट होता है दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है ये डायरेक्ट जुड़ा होता है आपकी बॉडी के साथ। जो आपका मेटल की बॉडी होती है, सीपीयू जो मेटल का होता है या आपका कुछ भी मेटल का केसिंग होगी उसके साथ जुड़ी रहती है। तो ये क्या करता है, उस लीकेज करंट को डायरेक्ट जो है अर्थ में शॉर्ट करा देता है, जिसकी वजह से जो है आपको शॉक नहीं लगता है। तो अगर आपका सीपीयू आपको शॉक मारता है तो आप इलेक्ट्रिशियन से बात करके ग्राउंड वायर डलवा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों ये एसी पावर वाले ग्राउंड वायर की बात। अब हम बात करते हैं डीसी सर्किट्स में। जब मैं कहता हूँ ईयरफोन में जो है ये वायर जो ग्राउंड की है इस पॉइंट पर जोड़ना है, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे अक्सर मैं जो है दोस्तों, ये 3.5 mm जैक है, इसका जो थर्ड पॉइंट है ये ग्राउंड पॉइंट होता है। ये ग्राउंड पॉइंट इसे क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये पावर सोर्स है दोस्तों, यहाँ पर ये पावर सोर्स है, और डीसी में जो है दोस्तों पावर सोर्स जो होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला जो पॉइंट है दोस्तों, यही जो है ग्राउंड का पॉइंट होता है, और ये जो है पीसीबी में है चारों तरफ फैला रहता है। तो इसी वजह से बस इसको ग्राउंड वायर कहते हैं, क्योंकि हम जो है इसे ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे हमारी जो ग्राउंड है वो उस पर जो है हर चीज़ बनी हुई है, तो वैसे ही जो है ग्राउंड हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ग्राउंड वहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि सर्किट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव का जो पॉइंट है हमने यहाँ ऑडियो आईसी में दिया, और ग्राउंड का पॉइंट जो हमने पूरे पीसीबी में फैला रखा है, तो इसे हम ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी पर हमारी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड पॉइंट यहाँ से ले लिया, यानी माइनस का जो पावर सोर्स का जो माइनस है हमें चाहिए यहाँ से ले लिया। और आउटपुट में जैसे देखिए दोस्तों, अगर ऑडियो से आउटपुट आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। किसी किसी में जो है दोस्तों ये जो है डायरेक्ट ग्राउंड दे देते हैं इसको, तो ये ग्राउंड हो गया जैसे 3.5 mm जैक की कंडीशन में, और ये आपका ऑडियो का पॉजिटिव हो गया। और कईयों में होता है दोस्तों, ये जो ग्राउंड पॉइंट से हम जो है रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो दोस्तों हम जो है इस वाले पॉइंट को ग्राउंड नहीं कह सकते। ये जो हो गया आपका स्पीकर का माइनस पॉइंट हो गया, इसको हम ग्राउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस लग गया है तो हम इसे ग्राउंड नहीं कहेंगे। तो डायरेक्टली ये ग्राउंड से नहीं कनेक्टेड। ग्राउंड का मतलब है कि डायरेक्ट जो है आपकी ग्राउंड से, यानी पावर के सोर्स से कनेक्ट, माइनस नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जो आईसी है, ये आपका पूरा सर्किट दोस्तों ऐसे ही बना होता है। हर आईसी में जो पॉजिटिव होती है वो आपका जो है एक सेपरेट पॉजिटिव जाता है आपके डायरेक्ट पावर के यहाँ से, और जो है ग्राउंड पॉइंट जो है आपका यहीं से उठा लेते हैं। इसको चाहिए यहाँ से उठा लिया, इसको चाहिए यहाँ से उठा लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको चेक करके कि ग्राउंड पॉइंट आखिर क्या है। अब देखिए ये माइनस का पॉइंट है इसमें, और आप ये देख सकते हैं ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। जितना भी पीसीबी पे आपको गोल्डन एरिया दिख रहा है ये सब का सब ग्राउंड है। ये जितना भी आपको मेटल शील्ड लगी हुई दिख रही है ये सब ग्राउंड पॉइंट से अटैच्ड है। ये आपकी शील्ड जो लगी हुई है ये भी ग्राउंड पॉइंट से अटैच्ड है। ये सब जो है ग्राउंड पॉइंट है।
तो अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ से कोई पॉजिटिव ले रहे हैं स्पीकर का, और उसके नेगेटिव को आप पूरे पीसीबी में कहीं भी लगाएंगे, आपका स्पीकर चलने लग जाएगा। इसलिए जो दोस्तों इसको जो है ग्राउंड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट जो है आपकी इससे कनेक्टेड है। देखिए बीप आ रहा है और 1 ohm का रेजिस्टेंस आ रहा है, उससे भी कम आ रहा है। अब मैं आपको माइनस से कनेक्ट करके दिखाता हूँ इसको, आप देख सकते हैं बीप आ रहा है और 0 ohm का रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड अटैच है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी बीप आएगी आपको। तो दोस्तों इसीलिए इसको ग्राउंड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि हम इसको जो है पूरे पीसीबी में इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ खाली, अगर आप बैटरी ऐसे रख रहे हैं तो हम इसे ग्राउंड वायर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम इसका ग्राउंड वायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव वायर भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, और ये भी जो है किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हम इसे बैटरी के निगेटिव और पॉजिटिव ही कहेंगे। अगर मैं डायरेक्ट सिंगल किसी चीज़ में मान लीजिए कि मैं LED जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये ग्राउंड पॉइंट इसको नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि अब हम इसे ग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब हम इसको मल्टीपल चीज़ों के साथ कनेक्ट कर देंगे और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राउंड पॉइंट का, जो है हर जो कंपोनेंट है उसको हम माइनस की जो चीज़ है पावर है, मतलब जो पॉइंट है हम इससे दे रहे हैं, तो उस चीज़ को हम ग्राउंड पॉइंट कहते हैं दोस्त। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो ग्राउंड वायर होती है वो हमेशा जो है DC सर्किट्स में जो पावर सोर्स का माइनस होता है वो होती है। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको ईयरफोन में बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राउंड वायर हमेशा जो है ऐसे जुड़ी क्यों रहती है। तो ईयरफोन में भी अगर आप देखें वायर, जो ईयरफोन 3.5 mm का आता है जो, तो यहाँ पर जो ग्राउंड पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर भी थर्ड पॉइंट ग्राउंड पॉइंट का है, जो मैंने आपको चेक कराया था PCB पे। तो यहाँ पर जो है हमारी जो है माइनस का वायर है ऐसे, और ये माइनस की वायर है, ये भी जोड़ देते हैं, और ये जो माइक का माइनस पॉइंट है ये भी जोड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ कुछ भी हो, यहाँ अगर मान लीजिए बटन जो है माइक के साथ ही जुड़ा होता है, अगर बटन का भी अगर जो है एक माइनस पॉइंट हम बना दें, तो ये माइनस का पॉइंट भी यही बन जाएगा। तो यही जो है दोस्तों एक ग्राउंड वायर है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, अब ग्राउंड से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो है दोस्तों, अगर ये जो प्लस पॉइंट है, अब जैसा कि देखें हम इसे जोड़ते नहीं हैं कभी आपस में, क्योंकि इनके लिए सेपरेट पॉइंट है। ये जो है तभी अच्छे से काम करेंगे जब इनके लिए जो है हम जो है अपना जो है सेपरेट पॉइंट बना दें। अब ये जो है कनेक्शन ऐसे जुड़े रहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ बस, माइक का जो पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये बटन भी दोस्तों इस माइक वाली से कनेक्ट होता है, तो ऐसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो में जो है आपको ग्राउंड वायर समझ में आ गया होगा। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।